स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी के कमेंट पर हम ये वीडियो लाए हैं, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आप लोग वीडियो को आधा देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं। हम सभी वीडियो में या जितना भी वीडियो हम सब में फुल जानकारी देते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि SSB हेड कांस्टेबल का सिलेबस चेंज हो चुका है। पिछले बार जो सिलेबस था वो किस प्रकार था तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। पिछले बार सिलेबस था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर था, और आप लोगों को एक ही दिन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देना था। तो इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बना है CAPF फोर्स इन्फॉर्मेशन का, तो उसमें आप लोग जाइए, उसमें आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का इस बार पेपर वन ही होगा, और जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी पृष्ठ की संख्या होगी 40 और समय 2 घंटे, और अधिकतम अंक आप लोगों का 100 होगा, और उसका सबसे पहले पृष्ठ पे लिखा होगा परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक इस पृष्ठ के ऊपर दिए गए स्थान पर अवश्य लिखे। ये सब सारे लिखे होंगे। और यदि आप लोग निगेटिव मार्किंग के बारे में सोचते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों और ये आप लोगों का 100 मार्क का रहने वाला है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखिए हम सबसे पहले जाते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, और इसमें GK GS दोनों है। तो देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 20 नंबर का। कितने क्वेश्चन? 20। भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विभिन्न तथ्य एवं आंकड़े, और ये देखिए भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से थोड़ा कम क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से थोड़ा कम क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था से और ये भारतीय इतिहास से, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को जैसे हो गया भारतीय संविधान, तो इससे तो 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है, कम से कम 4 क्वेश्चन भारतीय संविधान से रहता है। तो आप लोगों को हम बता दिए, ये आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भौतिकी और भारत का इतिहास, और इससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न तथ्य एवं आंकड़े से। तो देखिए दोस्तों फिर रसायन विज्ञान से थोड़ा कम और जीव विज्ञान से बहुत कम। तो फिर अब चलते हैं दूसरा, देखिए सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये आप लोगों को बताते हैं, रीजनिंग में भी 20 मार्क आप लोगों का रहेगा, 20 नंबर का, 20 मार्क का। श्रृंखला परीक्षण से, कोडिंग डिकोडिंग से, संबंध अवधारणा से, तो इससे कुछ ज़्यादा, 1RX से कुछ ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्थान दृश्य लोकन से, जिसमें आप लोगों को ऐसे चित्र बना रहेगा, ऐसे चित्र बना रहेगा ऐसे, और आप लोगों को बोलेगा मिलान करने के लिए। तो ये जो रीजनिंग का है, मैं अलग से 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं रीजनिंग किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को 1RX और स्थान दृश्य लोकन से पूछा जाएगा, बल्कि संबंध अवधारणा से, ब्लड रिलेशन से थोड़ा कम पूछे जाते हैं। और देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला परीक्षण से बहुत ही कम। फिर चलते हैं प्रारंभिक अंक गणित, ये मेन है, ये टॉपिक मेन है, तो इसके 40 मैथ कितने रहते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, वो भी 40 नंबर के। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ये एग्ज़ाम 10 लेवल पे नहीं होता है, ये आप लोगों को 12 लेवल पे पूछा जाता है, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है, अभी बता दे रहे हैं। ये जो आप लोग सोचिएगा कि SSC GD के जैसे क्वेश्चन रहेगा, तो SSC GD के जैसे क्वेश्चन नहीं रहता है, आप लोगों को 12 लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कभी समीकरण पूछ लिया जाता है, कभी क्षेत्रमिति, ज्यामिति, समकोण और त्रिभुज से संबंधित भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। देखिए लाभ हानि से इस बार 3 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिशतता से 1 क्वेश्चन, कार्य और समय से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, फिर चाल और समय दूरी से लगभग 5 क्वेश्चन चाल और समय दूरी से, और अनुपात और समानुपात से तो बुझिए लगभग 7-8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और कोण समकोण, जिसमें आप लोगों को त्रिभुज का कौन समकोण ज्ञात करना होगा, इससे लगभग 5 क्वेश्चन।
क्योंकि मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से इतना से आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ हानि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बट्टा से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसने ये रेडियो बेचा कितने में, तो हम आप लोगों को अभी क्वेश्चन सुना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए हम क्रय मूल्य से क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं। हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलता है। एकदा यह हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। तब उन टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी 70,000 रुपये दिए। कितना? 70,000 रुपये कम मिले, व्यापारी से 70,000 रुपये कम मिले। तो हीरे का वास्तविक मूल्य निकालिए। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, मैथ और रीजनिंग लिखा हुआ है SSB हेड कांस्टेबल का, उसमें आप लोगों को पूरा है, मतलब वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर चाल और समय दूरी से पूछे जाते हैं, और देखिए कौन समकोण से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन जैसे ये ऐसे हो गया, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे हो गया आप लोगों का AC = 2√5 एवं AB - BC = 2। तो sec A + tan A = क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन कुछ हार्ड रहता है, इसीलिए आप लोग मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिए, और मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आप लोगों के लिए समान अनुपात से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दोस्तों का कमेंट था कि आप मेन टॉपिक बताए, तो मेन टॉपिक ये है। फिर समान हिंदी से आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संधि से बिल्कुल ना के बराबर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी 2-4 क्वेश्चन, अपठित गद्यांश लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये अपठित गद्यांश, और वाक संशोधन से लगभग 5 क्वेश्चन, और पर्यायवाची शब्द से भी 4 क्वेश्चन से कम नहीं। इस बार 4 क्वेश्चन था। हम अब आप लोगों को देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, हम इसमें से आप लोगों को अभी सुना दे रहे हैं, जो पर्यायवाची है आप लोग देख लीजिए। देखिए अही लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द का 7-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची है और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। तो अही है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई हल्का नहीं, मैं आप लोगों को पहले बता दिया, तो फिर और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का जो क्वेश्चन आने इस बार, जो पहले PT होगा, तो हम PT का भी वीडियो बनाएंगे कि इसमें आप लोगों को किस प्रकार से रनिंग होता है और किस प्रकार से करना है, तो इसका हम वीडियो आप लोगों को बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। जैसे ही कोई जानकारी CA के जितने भी फोर्स होते हैं जैसे ही आते हैं, तो हम आप लोगों को तुरंत नोटिफाई करते हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए, सारा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। लेकिन इस बार Part 1 सिर्फ पेपर एक ही होगा, और टाइपिंग में भी कम्प्रेशन टाइपिंग बढ़ा दिया गया है, PT में कम कर दिया गया है। तो आप लोगों को पहले से हम जानकारी दे दिए हैं, जो कि चैनल पे पहले से वीडियो अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।